यहाँ पर अब आ गया है गुल अहमद का मारू कलेक्शन। जी हाँ, इसको विदाउट एनी डिले मैं इसको ओपन कर लेती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी इतना ज़्यादा इंतज़ार कर लिया है। तो इसको जो है ओपन कर लेते हैं। यहाँ देख लीजिए, ये इसका पूरा सूट है, ठीक है। डब्बा भी जो है बड़ा फ्लेक्सिबल डब्बा है, और साथ में जो है वो गुल अहमद का ये सूट आ गया है। बाहर लोगो भी लगा हुआ है गुल अहमद का ही, ठीक है। डब्बा मैंने रख दिया है साइड के ऊपर, सूट आ गया है नीचे से बाहर। ओके, एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि गुल अहमद की एसेसरीज दी हुई हैं, और सूट जो है वो रॉ सिल्क के फैब्रिक का यहाँ पे मुझे ये सूट नज़र आ रहा है। ट्राउज़र जो है वो ब्लैक कलर का है, रॉ सिल्क का ट्राउज़र है ये, ठीक है। सिर्फ प्लेन ब्लैक कलर का ट्राउज़र है। इसके बाद इसके ऊपर जो है खूबसूरत से क्या कहते हैं एप्लिक वगैरह जो हैं वो यहाँ पे दी हुई हैं, जिसको मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिएगा, ये ब्लैक कलर की है, तो ये बेशक इसकी ट्राउज़र की ही वो होगी, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं कि खूबसूरत सा ब्लैक कलर का इसका ट्राउज़र का जो काम है वो बहुत ज़बरदस्त, बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ पर। इसके अलावा ये ऑर्गेन्जा के ऊपर बना हुआ है। यहाँ पर इसके अंदर कॉपर कलर की जरी का इस्तेमाल किया गया है, कॉपर कलर की डोरी का इस्तेमाल किया गया है, और साथ में यहाँ पर टिकी स्टोन्स और ख़ूबसूरत सा काम जो है हमें नज़र आ रहा है, जो कि इसके ट्राउज़र के अंदर है। ये है इसका दुपट्टा, जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। जी हाँ, क्योंकि ये सिल्क का दुपट्टा है, ये जैकॉर्ड एम्ब्रॉयडरी के साथ, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर इसका बॉर्डर देखें कितना खूबसूरत सा प्यास इसका बॉर्डर बना हुआ है। इसके अंदर जो है हैंड एम्ब्लेस्ड सीक्वेंस एंड बीड्स लेस लगी हुई है, ये लगी हुई है लेस खूबसूरत सी, और ये लगा हुआ है खूबसूरत सा दुपट्टा इसका पूरा का पूरा, ये मैंने आपको दिखा दिया है। ओके जनाब, तो ये है इसका दुपट्टा, कंप्लीट दुपट्टा है, इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद आती है इसकी शर्ट, ये देखिएगा, ये है इसकी शर्ट। अच्छा, कपड़े जो है वो तीनों सेम ही लग रहे हैं मुझे। ये जो है वो इसका बैक का कपड़ा है, बैक के अंदर भी कपड़े के अंदर आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी जो है वो बूटियां दी हुई हैं, ठीक है। ये है इसका फ्रंट का कपड़ा, फ्रंट के अंदर गला जो है वो ऑलरेडी अप्लाई हुआ हुआ है। सेम तरीके के जो बीट्स हैं, जो बूटियां थी जो कि बैक पे थी, वही यहाँ पर जो है वो अरेंज की हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो तीसरा पीस मेरे पास आखिरी आया था वो है, उसमें से ये देखिए, ये है इसकी स्लीव्स का कपड़ा, स्लीव का कपड़ा भी जो फैब्रिक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फैब्रिक जो है वो है इसका रॉ सिल्क का फैब्रिक है। रॉ सिल्क के फैब्रिक में जो कलर है इसका वो डार्क मरून कलर है, और इसके अंदर सारा का सारा ये दबके का काम, डोरी का काम और सीक्वेंस का काम, और यहाँ पे आपको टिकी स्टोन का काम, मतलब पूरा का पूरा सूट जो है वो आपको एक हैंड एम्ब्लेस करके मिल रहा है। इसीलिए ये थोड़ा सा कॉस्टली बैठा है। जी हाँ, इसकी जो प्राइस है वो 20,000 की प्राइस है अनस्टिच की, तो आप खुद ही ये सोच लीजिए कि इसकी स्टिच की प्राइस जो है वो कैसी और कितनी होनी चाहिए है, ठीक है। यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ पर ये है इसका गले के साइडों पे लगने वाले दो बंचेस, जैसे कि आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि शोल्डर से आ रहे हैं ये दो बंच, और यहाँ पे ये भी शोल्डर पे जाकर के लगेंगे। इसके अंदर भी टिकी स्टोन्स और वैसी ही काम किया हुआ है, गोल्डन जरी सा और खूबसूरत सा ये दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जी हाँ, लास्ट एंड फाइनल पार्ट जो है वो मेरे हाथ में है, जो है इसकी शर्ट का फ्रंट का बॉर्डर, इसकी शर्ट का बैक का बॉर्डर, और बिल्कुल वो सिमिलर है स्लीव्स के बॉर्डर के जैसे। तो सिस्टर्स, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये PRW01 जो कि देखने को भी नहीं मिला, वो आपको देख के कैसा लगा, और इसको आप क्या एडिंग करती हैं। जिन लोगों को दिमाग में अभी भी यही है कि अजीमा शहजाद की गुल अहमद से एंड ऑल दैट, तो प्लीज़ जो गुजर गया वो गुजर गया, जो आने वाला है उसको आप इंजॉय करें, उसको आप देखें, ठीक है सिस्टर्स। मेरा मैसेज सबके लिए है, अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर। मजीद आपको अगर गुल अहमद के सूट देखने हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, और अगर आपको लेटेस्ट टॉप वीडियो देखनी है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए।